हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। आपके इस खूबसूरत से चैनल पर मैं निशा आपका स्वागत करती हूँ और उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई का भी अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे। तो जैसा कि हमने पिछली वीडियो में बात की थी, हमने ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, डाइजेशन, तीत पढ़ लिया था, तीत के बारे में पढ़ लिया था। और आज की हमारी वीडियो है डाइजेशन इन एनिमल, मतलब एनिमल में डाइजेशन हम पढ़ेंगे कि एनिमल में डाइजेशन होता कैसे है। जैसे हमने अमीबा में पढ़ा था अमीबा में कैसे प्रोसेस कंप्लीट हुआ था, वैसे ही सेम आज हम पढ़ेंगे डाइजेशन इन एनिमल कि एनिमल में डाइजेशन कैसे होता है। तो आप पिछले वीडियो को देख रहे होंगे और उसकी स्टडी भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे, कंटिन्यू लगे होंगे हमारे साथ। और आज चलिए देखते हैं हम डाइजेशन इन एनिमल कि एनिमल में डाइजेशन कैसे होता है। डाइजेशन सिस्टम देखिए, एक्सप्लेन करते हैं डाइजेशन सिस्टम किस में डाइजेशन पढ़ने जा रहे हैं। डाइजेशन इन एनिमल, किसका डाइजेशन? एनिमल का डाइजेशन। अब यहाँ पे डाइजेशन सिस्टम मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम देखेंगे तो क्या कह रहा है, डाइजेस्टिव सिस्टम इज मेड अप और ग्रुप ऑफ ऑर्गन, यानी कह रहे हैं कि बॉडी के ऐसे बहुत सारे ऑर्गन हैं जो मिलकर पूरे डाइजेशन सिस्टम को कंप्लीट करते हैं। कौन कौन से ऑर्गन है? आइसोफेगस हो गया, माउथ हो गया, और मतलब पैनक्रियाज हो गए। ये सारे जो ऑर्गन हैं बॉडी के, जो बॉडी के एक एक अंग हैं, बॉडी के ऑर्गन हैं, ये सारे मिलते हैं और सब मिलकर हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को कंप्लीट करते हैं। यहाँ पे देखिए क्या है, कह रहे हैं विच मेन फंक्शन इज ब्रेक डाउन ऑफ फूड मॉलिक्यूल इंटू स्मॉल मॉलिक्यूल एंड दीज स्मॉल फूड मॉलिक्यूल कन्वर्टेड इंटू एनर्जी। देखिए मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ। हम लोग क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स फूड लेते हैं। फूड कैसा होता है? सॉलिड होता है। सॉलिड फूड को लेते हैं, कॉम्प्लेक्स फूड लेते हैं, और खाने के बाद जब उसको माउथ में रखते हैं तो माउथ में वो क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है, टूटता है। हमने तीत जब पढ़ाया था लेक्चर नंबर फोर्थ में, तो फोर लेक्चर में हमने पढ़ाया था तीत। तीत में भी हमने कहा था कि फूड का सबसे पहला डाइजेशन जो होता है वो कहाँ पर होता है, तीत करता है। अब आगे भी देख लेंगे अभी, तो तीत करता है। अब तीत क्या करेगा, फूड को ब्रेक डाउन करेगा, यानी हम कौन सा फूड लें, कॉम्प्लेक्स फूड। कैसा था? सॉलिड, कॉम्प्लेक्स था। फूड को तीत ने क्या किया, तीत क्या करेगा, फूड को ब्रेक डाउन करेगा, तोड़ देगा। पहला डाइजेशन यहीं पे शुरू होता है, यानी फूड जो होगा ब्रेक डाउन हो जाएगा किस में, सिंपल फॉर्म में, यानी कॉम्प्लेक्स फूड कन्वर्टेड इनटू सिंपल फूड, कॉम्प्लेक्स फूड बदल जाएगा सिंपल में। और जो सिंपल फूड अंदर जाएगा आइसोफेगस से, यहाँ ग्रास नली से अंदर जाएगा, तो ये जो कॉम्प्लेक्स फूड है सिंपल में टूटा, और सिंपल में टूटने के बाद छोटे छोटे इसके जो मॉलिक्यूल बने ये किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, एनर्जी में। वही सेम चीज़, सेम प्रोसेस हम यहाँ समझाने की कोशिश किए हैं। क्या लिखा है, विच मेन फंक्शन इज टू ब्रेक डाउन ऑफ फूड मॉलिक्यूल, मतलब इस सिस्टम का पूरा जो मेन काम हो रहा है वो क्या है, ब्रेक डाउन तोड़ना होता है। किसको ब्रेक डाउन किया जाता है, फूड मॉलिक्यूल, खाने के टुकड़ों को ब्रेक डाउन करते हैं, और किसमें, इनटू स्मॉल मॉलिक्यूल, छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रेक डाउन करते हैं, एंड दीज स्मॉल फूड मॉलिक्यूल्स कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। और यही स्मॉल फूड जाकर क्या चेंज कर लेते हैं, एनर्जी में चेंज हो जाते हैं, क्योंकि हमें चाहिए क्या, सेल के बराबर बराबर फूड के मॉलिक्यूल चाहिए, यानी सेल के फूड के मॉलिक्यूल को कहाँ जाना होता है, सेल में जाना होता है। सॉलिड फूड ले लिए, वो कन्वर्ट हो गई सिंपल में, थोड़ा थोड़ा ब्रेक डाउन हुआ और वो और ज़्यादा गल जाता है, और ज़्यादा। अभी स्ट्रक्चर में हम देख लेंगे तो और ज़्यादा कैसे गलता है, कौन से एंजाइम आते हैं, कौन से हार्मोन हेल्प करते हैं, तो एंजाइम और हार्मोन की हेल्प से वो और ज़्यादा मतलब डाइजेस्ट हो जाता है, गल जाता है, और गलने के बाद वो कहाँ चला जाता है, एक एक सेल के पार्टिकल्स में चले जाते हैं। आगे देखिए क्या बोल रहा है, एलिमेंट्री कैनल स्टार्ट फ्रॉम माउथ टू एनस। एलिमेंट्री कैनल क्या है, एलिमेंट्री कैनल जो होता है माउथ से लेकर एनस पार्ट तक होता है, मतलब मुँह में हम फूड रखते हैं और एक्सक्रिएशन प्रोसेस जब करते हैं फूड को, अनडाइजेस्ट फूड को, या जो अपच भोजन होते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, इनको बॉडी से एग्जिट किया जाता है, बाहर किया जाता है। तो माउथ से लेकर एनस पार्ट के बीच का ये जो नाल होता है, कैनल होता है, इसको क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं एलिमेंट्री कैनल। नेक्स्ट देखिए क्या लिखा है, द लेंथ ऑफ एलिमेंट्री कैनल 8 to 10 meters, मतलब एलिमेंट्री कैनल की जो लेंथ होती है वो कितनी होती है, अबाउट 8 to 10 meters। यहाँ पर अबाउट राइट कर लेंगे, अबाउट लगभग 8 to 10 meters होती है। कह रहा है द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन सिस्टम, ये जो डाइजेशन सिस्टम की जो प्रोसेस हो रही है इज कंप्लीटेड इनटू 5 स्टेप। कितने स्टेप में कंप्लीट होती है, 5 स्टेप में।
अमीबा भी पढ़ने, जब अमीबा हम पढ़े थे तो वहाँ पर भी हमने यही देखा था, क्योंकि वहाँ पर भी क्या था, अमीबा होलोजोइक था और एनिमल भी क्या होते हैं, होलोजोइक होते हैं। तो सेम हम वहाँ पर बार बार रिपीट किए थे बेटा, आप पिछली वीडियो को, प्रीवियस वीडियो को देखते रहिए, लिंक बाय लिंक देखेंगे, वीडियो नंबर 1, 2, 3 ऐसे जब लेक्चर बाय लेक्चर देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा सारी प्रोसेस। तो वहाँ पर भी हमने बात किया था कि डाइजेशन जो होता है इसको 5 पार्ट्स 5 स्टेप कंप्लीट करते हैं। कौन कौन होता है बेटा, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एजिमिलेशन और एक्सक्रेशन। ये 5 स्टेप हैं जो हमारी बॉडी के डाइजेशन सिस्टम को, डाइजेशन की प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं। अब यहाँ देखेंगे, देखिए इंजेशन हो गया, डाइजेशन हो गया, एब्जॉर्प्शन हो गया, एजिमिलेशन और एक्सक्रेशन। इंजेशन क्या होता है, हम फूड को टेक करते हैं, बी टेक फूड इनटू माउथ, हम फूड को क्या करते हैं, माउथ से टेक करते हैं। अब माउथ से टेक किए फूड को मुंह में रखे, मुंह में ले लिए, तो वो कौन सी प्रोसेस होती है, इंजेशन होती है। यहाँ पे आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम लिखते हैं। ये लिखना पड़ रहा है बेटा क्यों, क्योंकि वीडियो की लेंथ क्या होती है ना, ज़्यादा लॉन्ग हो जाती है। अगर हम साथ साथ राइट करेंगे तो आप बोरिंग फील करने लगेंगे, बहुत ज़्यादा लेंथ लंबी हो जाती है वीडियो की, और बच्चे जो होते हैं देखने में उसको घबरा जाते हैं कि बहुत लॉन्ग है, बहुत ज़्यादा में एक्सप्लेन किया गया है। तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, बोर्ड पे राइट कर दे रहे हैं। तो आप फटाक से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और हम बढ़ते हैं नेक्स्ट, आगे बढ़ते चलेंगे। तो शॉर्ट स्क्रीन उसका ले लिया होगा बच्चों, देखिए आगे बढ़ते हैं। हमने क्या बताया, 5 प्रोसेस हमें पढ़ने हैं, 5 स्टेप पढ़ने हैं, कौन से पढ़ने हैं, इंजेशन। तो जल्दी जल्दी देखते हैं इंजेशन। इन दिस प्रोसेस फूड इज रिसीव्ड बाय माउथ, इस प्रोसेस में होता क्या है, फूड जो होता है खाना रिसीव्ड, प्राप्त कर लिया जाता है, ले लिया जाता है बाय माउथ, किसके द्वारा, माउथ के द्वारा, मुँह के द्वारा क्या किया जाता है, फूड को ले लिया जाता है, फूड को खाना, फूड को टेक करना, कॉल्ड इंजेशन। क्या बोलते हैं, इंजेशन। आगे देखिए डाइजेशन। अब डाइजेशन क्या है, कह रहे हैं डाइजेशन की जो प्रोसेस होती है, डाइजेशन में होता क्या है, ब्रेकडाउन होते हैं। क्या ब्रेकडाउन होते हैं, फूड मॉलिक्यूल्स, फूड मॉलिक्यूल ब्रेकडाउन होता है। अब ब्रेकडाउन होता है तो ब्रेकडाउन होने के देखिए 2 तरीके हैं, किस तरीके से होता है, ये एक मैकेनिकल ब्रेकडाउन होता है और एक केमिकल। मैकेनिकल में क्या होता है, इन दिस स्टेप फूड इज ब्रेकडाउन बाय माउथ और टीथ। यानी जब हम फूड को माउथ में रखें, फर्स्ट डाइजेशन के लिए माउथ में रखे, तो माउथ ने क्या किया, माउथ का जो टीथ था, माउथ के अंदर जो बकल कैविटी के अंदर टीथ थे, टीथ ने फूड को क्या किया, च्यू किया, दबाया, ग्राइंड किया, वेयरिंग किया, फाड़ दिया, चीड़ दिया, और उसके बाद में उसको जो है डाइजेस्ट किया, ग्राइंड करके पीस दिया। तो वहाँ पे जो डाइजेशन हो रहा है, वहाँ पे जो फूड मॉलिक्यूल्स पिघल रहे हैं, वहाँ पे जो फूड मॉलिक्यूल घुल रहे हैं, वो कौन सा है, कौन सा ब्रेकडाउन हो रहा है वहाँ पे, मैकेनिकल। मतलब इसमें क्या होता है, ब्रेकडाउन तो होता है बेटा, बट कैसा होता है, माउथ और टीथ से होता है। केमिकल ब्रेकडाउन देखिए क्या होते हैं। अब केमिकल नाम सुन के ही जान गए होंगे, रासायनिक, केमिकल, केमिकल आ रहा है, कोई ना कोई केमिकल आ रहे हैं। कैसे, इन दिस स्टेप, इस स्टेप में क्या हुआ, लार्ज फूड मॉलिक्यूल इज ब्रेक डाउन इंटू स्मॉल मॉलिक्यूल्स बाई यूजिंग डिफरेंट एंजाइम। मतलब बहुत सारे टाइप्स के एंजाइम को यूज़ करके जब फूड ब्रेक डाउन होता है, दांत ने किया बिना किसी एंजाइम के, जब किया दांत केवल ग्राइंड कर दिया, मैकेनिकल ब्रेक डाउन। लेकिन जब कोई एंजाइम इन्वॉल्व हो गया, जब कोई इसमें एंजाइम आ गया, एंजाइम की हेल्प से हो रहा है, हार्मोन की हेल्प से हो रहा है, लीवर, गाल ब्लेडर, ये सारे लोग हेल्प कर रहे हैं, तब बेटा वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे कौन सा ब्रेकडाउन होता है, केमिकल ब्रेकडाउन होता है। मतलब इस स्टेप में जो ब्रेकडाउन हो रहा है कि इसे इस्तेमाल तो बना रहा है बाय यूजिंग डिफरेंट टाइप ऑफ एंजाइम। अलग अलग प्रकार के एंजाइम आते हैं, बहुत सारे टाइप्स के एंजाइम आते हैं, और वो सब मिल करके डाइजेशन को कंप्लीट करते हैं, और वहाँ पे जो डाइजेशन होता है वो कौन सा होता है बच्चों, केमिकल ब्रेकडाउन होता है। तो आगे देखिए, हमारी 2 टॉपिक हुई, इंजेशन, डाइजेशन। नेक्स्ट क्या है, एब्जॉर्प्शन। नाम से ही सुन के आ रहा है, एब्जॉर्ब करना, किसी चीज़ को ले लेना, सोख लेना, एब्जॉर्ब कर लेना, होता क्या है, आफ्टर डाइजेशन, ब्रेकडाउन, डाइजेशन तो हो गया, आफ्टर डाइजेशन द मॉलिक्यूल्स ऑफ फूड बिकम सो स्मॉल। देख चुके ना, फूड के, जब फूड का क्या हुआ, डाइजेशन हुआ, तो फूड के जो मॉलिक्यूल थे वो कैसे हो जाएंगे बच्चों, कैसे हो जाएंगे, बिकम सो स्मॉल, बहुत छोटे छोटे हो जाएंगे। अब छोटे होने के बाद क्या हुआ, दे कैन पास थ्रू द वॉल्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, और ये कहाँ चले जाते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन के वाल तक, स्मॉल इंटेस्टाइन की दीवारों तक चले जाएंगे, जो हम आगे स्ट्रक्चर में देख रहे हैं अभी।
गोज इंटू ब्लड, और वहाँ से कहाँ जाते हैं बच्चों, गोज चले जाते हैं इंटू ब्लड, ये स्मॉल इंटेस्टाइन में ब्रेकडाउन होते हैं। और हमने अभी देखा था स्मॉल में ब्रेकडाउन तो हुए, स्मॉल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हुए, बट स्मॉल मॉलिक्यूल क्या होते हैं, कन्वर्टेड इंटू एनर्जी, तो ये एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, यानी ये क्या होती है, एनर्जी जो होती है गोज इंटू ब्लड, ये कहाँ चली जाती है, ब्लड में, और दिस इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन, यही प्रोसेस क्या होती है, एब्जॉर्प्शन, नो टेंशन, कुछ भी नहीं, सीधा हमने क्या किया, कॉम्प्लेक्स फूड को लिया, कॉम्प्लेक्स फूड का क्या हुआ, डाइजेशन, डाइजेशन कितने तरीके से हुए, दो, एक तो मैकेनिकल हो गया, जैसे ही माउथ में रखे मैकेनिकल हो गया, थोड़ा सा एंजाइम एंजाइम हेल्प किए अंदर गया, उसके बाद में वहाँ पे कौन सा डाइजेशन हो गया, केमिकल, केमिकल डाइजेशन होने के बाद कॉम्प्लेक्स फूड कन्वर्ट में चेंज हुआ, और कन्वर्ट सॉरी जो कॉम्प्लेक्स फूड सिंपल में चेंज हुए, और सिंपल फूड किस में हो गई बच्चों, एनर्जी में, और ये एनर्जी क्या हुई, एनर्जी गोज इनटू ब्लड, और जो एनर्जी बनी वो कहाँ चली गई, ब्लड में पहुँच गई, और दिस इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन, ये क्या होगा, एब्जॉर्प्शन होगा। आगे है एजिमिलेशन, अब क्या हुआ, एनर्जी तो ब्लड में चली गई, और ब्लड क्या करेगा, ब्लड कैरीज डाइजेस्टेड एंड डिजॉल्व फूड टू ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी, जब ब्लड में एनर्जी गई तो ब्लड का, आप क्या जानते हो, आप ये जान रहे हो कि ब्लड क्या होता है, सर्कुलेट करता है, किसमें, हमारी पूरी बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन होता रहता है, अब उस ब्लड में कौन घुल गया, एनर्जी, तो वो ब्लड जो सर्कुलेट होगा पूरी बॉडी में ऐसे जाएगा, तो ये क्या होगा, ब्लड तो जाएगा, साथ में कौन जाएगा, एनर्जी, तो पूरी बॉडी में एनर्जी का जाना ये क्या होता है, एजिमिलेशन। अब एनर्जी तो चली गई, एनर्जी जाने के बाद बच्चों क्या हुआ, जो अनडाइजेस्टेड फूड बचे, वेस्ट प्रोडक्ट बचा, अनडाइजेस्टेड फूड बचे, तो उसको कहाँ जाना है, उसको जाना है आउट ऑफ आवर बॉडी, उसको हमारी बॉडी से आउट होना है। अब कह रहा है इंजेक्शन, देखिए इन दिस स्टेप अनडाइजेस्टेड फूड देखिए डाइजेस्टेड फूड नहीं बेटा, अनडाइजेस्टेड फूड इज रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी, बॉडी से रिमूव्ड हो जाता है बाय लार्ज इंटेस्टाइन, किसके थ्रू, लार्ज इंटेस्टाइन के थ्रू। यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि किस इंटेस्टाइन के थ्रू होता है, लार्ज या स्मॉल, तो किसके, कौन से इंटेस्टाइन से रिमूव होता है, लार्ज इंटेस्टाइन से होता है, यानी लार्ज इंटेस्टाइन के थ्रू क्या होता है, वेस्ट प्रोडक्ट जो होता है ये बॉडी से आउट हो जाता है, बॉडी से अलग हो जाता है, और अब बॉडी से अलग होने के बाद ये हमारी पूरी प्रोसेस थी, बॉडी से अलग हो जाता है। तो एक बार फिर से देखते हैं बेटा, इंजेक्शन हुआ, डाइजेशन हुआ, एब्जॉर्प्शन हुआ, एजिमिलेशन हुआ, और इजेशन हुआ, फूड को लिए, बहुत नॉर्मली समझेंगे, फूड को लिया, इंजेक्शन, दांत ने किया मैकेनिकल ब्रेकडाउन, एंजाइम ने हेल्प किया केमिकल ब्रेकडाउन, फूड क्या हुआ, फूड जा कर के डाइजेस्ट हो गया, डाइजेस्ट हुआ तो वो क्या हुआ, एब्जॉर्प्शन हो गया, ब्लड में चला गया, ब्लड से क्या हुआ, एनर्जी कहाँ चली गई, पूरी बॉडी में चली गई, तो वो क्या हो गया, एजिमिलेशन हुआ, और जो अनडाइजेस्ट बचे हुए थे, जो वेस्ट प्रोडक्ट बचे हुए थे, वो क्या हुए, आउट ऑफ बॉडी, बॉडी से रिमूव हो गए, और वो प्रोसेस क्या हो गई, इजेशन हो गई। तो आप इसकी स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद देखते हैं कि आगे होता क्या है, ये जो डाइजेशन सिस्टम है कैसे कंप्लीट होता है, कैसे स्ट्रक्चर में हम इसे कंप्लीट करते हैं पूरा। देखिए बच्चों, ले लिया होगा आपने शॉर्ट स्क्रीन, तो आगे बात करते हैं डाइजेस्टिव ऑर्गन। डाइजेस्टिव ऑर्गन क्या है, मतलब वो ऑर्गन जो डाइजेशन में हेल्प करते हैं, कौन कौन से हैं, तो ये होते कौन कौन से हैं, पहले देखिए प्राइमरी डाइजेस्टिव ऑर्गन और एसेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन, टू पार्ट में डिवाइड किया गया, प्राइमरी डाइजेस्टिव ऑर्गन, एसेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन। प्राइमरी जो सबसे पहले, यहाँ पे क्या है, दिस इज स्पेशल टाइप ऑफ ऑर्गन विच इज डायरेक्टली इन्वॉल्व इन डाइजेशन, नोटिस कीजिए बच्चों, विच इज डायरेक्टली इन्वॉल्व इन डाइजेशन, जो डाइजेशन में डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं, विथाउट हेल्प ऑफ एंजाइम, बिना किसी एंजाइम के हेल्प के, तो ये कौन सा होता है, प्राइमरी डाइजेस्टिव ऑर्गन। एसेसरी में कौन कौन से आते हैं, दिस इज स्पेशल टाइप ऑफ ऑर्गन विच इज इनडायरेक्टली इन्वॉल्व इन डाइजेशन, ये इनडायरेक्टली होते हैं, इनडायरेक्टली मतलब केमिकल डाइजेशन होता है, यहाँ पे केमिकल डाइजेशन अभी आपने पीछे पढ़ा, केमिकल डाइजेशन हो रहा है, केमिकल ब्रेकडाउन हो रहा है, मतलब किसी न किसी एंजाइम की हेल्प से हो रहा है, ऐसे ही नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे देखते हैं बच्चों कौन कौन से हैं, ये तो डायरेक्टली हो रहा है, डायरेक्टली कहाँ पे, माउथ रखो ऐसे आराम से, फायरिंग्स, आइसोफेगस, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, यहाँ पे कौन है, हमने राइट किया है सलाइवरी ग्लैंड्स,
स्लाइबरी ग्लैंड, स्लाइबा मीन्स लार जहाँ से आते हैं स्लाइबा, तो यहाँ पे क्या होते हैं बच्चों, दोनों साइड में लेफ्ट एंड राइट साइड में माउथ के स्लाइबरी ग्लैंड लगे होते हैं। तो कह रहा है स्लाइबरी ग्लैंड होते हैं, लीवर होता है, पैनक्रियाज हो गया, गाल ब्लेडर हो गया, ये ऐसे नाम है जिसको हम आगे देखने जा रहे हैं कि ये कोई ना कोई हमें क्या देते हैं, एंजाइम्स देते हैं, कुछ ना कुछ देते हैं, और इनकी हेल्प से फूड का क्या होता है, डाइजेशन होता है। आई होप बहुत अच्छे से आपको मेरा पॉइंट समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ कह रहे हैं कि ये एंजाइम की हेल्प देते हैं, ये ऐसे ही डायरेक्टली हो जाता है, तो कह रहे हैं डायरेक्ट हेल्प हो रहा है, डायरेक्ट हेल्प कर रहे हैं, तो ये कौन से ऑर्गन हो गए, प्राइमरी डाइजेस्टिव ऑर्गन हो गए, और अगर किसी न किसी एंजाइम की हेल्प से हो रहे हैं तो ये बच्चों कौन से हो गए, एक्सेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन हो गए। स्क्रीनशॉट बच्चों, आगे बात करेंगे बच्चों एलिमेंट्री कैनल। एलिमेंट्री कैनल के कितने पार्ट होते हैं, 5। कौन कौन से होते हैं, कहाँ पे डाइजेशन हो रहा है, कहाँ पे नहीं हो रहा है, ये देखेंगे। देखिए एलिमेंट्री कैनल, एलिमेंट्री कैनल के कितने पार्ट है, 5। 5 पार्ट्स हैं। एलिमेंट्री कैनल क्या होते हैं, माउथ टू एनस पार्ट होते हैं। अब एलिमेंट्री कैनल के कितने पार्ट होते हैं, 5। कौन कौन से, माउथ, आइसोफेगस, पैनक्रियाज, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। कैनल मतलब नली जहाँ से फूड को लेकर जाते हैं किस पार्ट तक होता है, तो ये पूरी। अब यहाँ पे देखिए एक क्वेश्चन आता है कि कहाँ पर जो है फूड का डाइजेशन नहीं होता, माउथ में होता है, आइसोफेगस, आइसोफेगस ये नली होती है बेटी, ये ट्रेकिया वगैरह जहाँ पे होते हैं वोकल कार्ड होते हैं, तो ये नली जो होती है स्प्रिंग लाइक होती है, ऐसे पूरी ऊपर नीचे आराम से जा सकती है, स्प्रिंग लाइक होती है, और इसकी लेंथ जो होती है ये बताई जाती है अबाउट 30 cm, लगभग 30 cm, 25 से 30 cm होती है, 30 cm होती है, तो ये स्प्रिंग लाइक होती है पूरी। अब इसमें क्या होता है, पूछा जाता है कि बताइए इन पांचों में, इन 5 स्टेप में कहाँ पर ऐसा है जहाँ पे फूड का डाइजेशन नहीं हो रहा है, तो बोला जाता है कि आइसोफेगस, आइसोफेगस में नो डाइजेशन ऑफ फूड, फूड का कोई डाइजेशन नहीं होता। क्यों नहीं होता, ये काम क्या करता है, तो ये माउथ को कनेक्ट करता है पैनक्रियाज से, यानी आइसोफेगस काम क्या करता है, माउथ को पैनक्रियाज से कनेक्ट करता है। एक ऐसे लगा होता है, ऊपर माउथ होता है, नीचे क्या होता है पैनक्रियाज होता है, और बीच की ये नली लगी होती है, यानी माउथ को किससे कनेक्ट कर देती है, पैनक्रियाज से कनेक्ट करती है। और क्या होता है, ये फूड को केवल क्या करती है, फूड मतलब आइसोफेगस क्या होता है, आइसोफेगस इज आल्सो कॉल्ड फूड पाइप, इसे क्या कहा जाता है, फूड पाइप कहा जाता है। ये फूड को केवल क्या करती है, ले जाती है, एक रास्ता होता है ऐसे, और यहाँ पे स्प्रिंग लाइक ऐसे होते हैं, ट्रेकिया बोकल कार्ड यहाँ पर ऐसे बने होते हैं, तो यहाँ पे कोई डाइजेशन फूड का नहीं होता, मतलब माउथ हो गया, आइसोफेगस हो गया, पैनक्रियाज हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन। अब इसको हम क्या करेंगे, स्ट्रक्चर से देखेंगे कि कैसे यहाँ पे पूरी प्रोसेस हो रही है, इसमें स्ट्रक्चर बनाएंगे और उसके बाद भी इसको हम अच्छे से समझेंगे। देखिए बच्चों यहाँ इसकी प्रोसेस जो होती है, माउथ से, अभी मैंने बताया माउथ से कहाँ होती है, एनएस पार्ट तक होती है, तो स्ट्रक्चर भी हमें क्या करना होगा, ज़्यादा हाई लेवल नहीं देखेंगे, बस ऐसे जल्दी समझ लेते हैं। माउथ मतलब ऊपर के पार्ट से कोई लेना देना नहीं है, अगर एग्जाम में आ भी जाता है कि एलिमेंट्री कैनल या पूरा डाइजेशन प्रोसेस का स्ट्रक्चर बनाइए, ड्रा कीजिए स्ट्रक्चर, इनके ड्रा कीजिए लाइन को बनाइए, तो हमें वो बनाना कहाँ से होता है, बस आप इतना बनाना आ जाए बस आपको, फिर भी अगर आ रहा है तो अच्छी बात है। तो यहाँ से देखिए ऐसे फटाक से करते हैं, यहाँ पैनक्रियाज लगा होता है, यहाँ से इंटेस्टाइन लगी होती है, और इसके बीच में होता है स्मॉल इंटेस्टाइन। आप बुक में देखोगे तो बहुत सुंदर सा चित्र होगा, हमें क्या करना है इसको समझना, पहले अंडरस्टैंड करते हैं इसको कैसे हुआ, सारी प्रोसेस कैसे होती है। तो यहाँ देखिए पहले तो राइट करते हैं, ये कौन सा पार्ट हो जाता है इसका, माउथ, ये पार्ट कौन सी होती है जो पॉइंट आया है, इस डेट इज कॉल्ड आइसोफेगस, आइसोफेगस यहाँ पे ये क्या होता है बेटा, तो ये होता है पैन क्रियाज, ये क्या होता है यूनो लीवर, ये क्या होता है गाल ब्लेडर, स्मॉल इंटेस्टाइन,
और ये है बच्चों एनस पार्ट, ये है एनस पार्ट, मतलब हम पूरे डाइजेशन को यहाँ से कम्प्लीटली देखते हैं। देखिए सबसे पहले स्टार्टिंग क्या करते हैं, और एक मिनट फिर से बता देना चाहती हूँ, आप क्या करोगे पिछली वीडियो को आप देखते रहिए, अगर पिछली वीडियो नहीं देखते हो तो थोड़ा सा कम समझ में आएगा, ठीक है। तो आप वहाँ से वीडियोज़ को देखते रहिए, और एक पॉइंट आ रहा है समझ में, एक पॉइंट दिमाग में आ रहा है बताऊँ। देखिए बच्चों जब तक हम प्रीवियस की स्टडी नहीं करेंगे, कोई चीज़ बेसिक से नहीं पढ़ेंगे तब तक आएगा नहीं। और ऐसा भी नहीं होता कि हम एक दो बार पढ़ लिए, कोई चीज़ पढ़ लिए, थोड़ा सा पढ़ लिए तो कहते हैं हाँ हमारे पास बहुत नॉलेज हो गया, बस ऐसे ही नॉर्मली हो जाएगा, कॉन्सेप्ट हमारे ऐसे नॉर्मली तैयार हो जाएंगे। बट जो है एग्ज़ाम में क्या पूछ लें, कैसा क्वेश्चन पूछ लें, और हमें नॉलेज के तौर पर नहीं रहेंगे, मतलब एक पॉइंट आ रहा दिमाग में, बोल दूँ? ठीक है मैं बोलती हूँ। ताश के पत्तों से ताजमहल नहीं बनता, ताश के पत्तों से ताजमहल नहीं बनता, नदियों के मिलने से समंदर नहीं बनता। लड़ते रहिए जिंदगी में हर एक पल, लड़ते रहिए जिंदगी में हर एक पल, क्योंकि एक जीत से कोई सिकंदर नहीं बनता। मतलब आप थोड़ी सी स्टडी कर लिए है ना, तो आपके लिए वो बहुत नहीं है बेटा। आप धीरे धीरे वर्क करते रहिए, धीरे धीरे पढ़ते रहिए, हमारी वीडियोस मिलती रहेंगी आपको, और आप थोड़ा थोड़ा इसके बारे में स्टडी करते रहिए। ये वीडियो नंबर 5 है, 4 देखिए, 5 देखिए, मतलब बेस से देखिए, 1 2 3 4 5, और आई होप आशा करते हैं आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। तो यहाँ से आगे बढ़ते हैं, हम इसको समझाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले फूड को क्या किया, माउथ में लिया, देख चुके हैं, इसलिए पहले मैंने वहाँ बता दिया था कि कोई आपके पास डाउट ना हो, माउथ में रखा। टीथ का डाइजेशन शुरू हुआ, टीथ ने क्या किया, डाइजेशन नहीं करेगा, वो क्या करेगा ब्रेकडाउन करेगा, मतलब कौन सा ब्रेकडाउन शुरू करता है, वो मैकेनिकल ब्रेकडाउन। टीथ और माउथ कौन सा ब्रेकडाउन शुरू करते हैं, मैकेनिकल। तो यहाँ पे कौन सा ब्रेकडाउन हो गया, मैकेनिकल। टीथ ने क्या किया, फूड के पार्टिकल्स को, फूड के मॉलिक्यूल को, फूड के टुकड़े को क्या किया, ऐसे ऐसे ब्रेक कर दिया। अब थोड़ा सा तो ये क्या हुआ, नॉर्मल हो ही गया, ग्राइंड हो गया, और यहीं पर फर्स्ट डाइजेशन हमारा स्टार्ट होता है, जो फर्स्ट डाइजेशन एसेसरी ग्लैंड वर्क करने लगता है। एसेसरी ग्लैंड में कौन से वर्क करते हैं बेटा, एसेसरी ग्लैंड में मैंने क्या बताया कि यहाँ से थोड़ा सा एंजाइम आते हैं, एंजाइम की हेल्प से होता है। अब एंजाइम कौन से एंजाइम आते हैं, तो जब ये ग्राइंड करते रहते हैं ना फूड को माउथ में लेकर इसे राउंड करते हैं, घुमाते हैं, तो जब राउंड होता है तो इस साइड में सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं। सलाइवरी ग्लैंड्स क्या होती हैं, सिक्रेट करती है, छोड़ती है, क्या छोड़ती है, क्या स्रावित करती है, सलाइवा, लार छोड़ती है। और लार जो होती है फूड के पीसेज में, रोटी के पीसेज में, या जो अफ भी फूड आप ले रहे हो उस फूड के पीसेज में क्या होगी, ये मिलती जाएगी, मिक्स होती जाएगी, मिक्स होती जाएगी, मिक्स हो जाएगी, यानी वो क्या होगी, वो पीसेज जो टुकड़े थे वो कैसे हो जाएगा, सॉफ्ट, मुलायम हो जाएगा, बढ़िया। और वो क्या होगा, अब सलाइवा आया और सलाइवरी ग्लैंड से सलाइवा निकला, और सलाइवा में एंजाइम होता है, कौन सा एंजाइम होता है, तो यहाँ पर हम राइट करेंगे, यहाँ पर एंजाइम होता है सलाइवरी ग्लैंड्स में, जो एंजाइम होता है बेटा वो होता है टाइलिन एंजाइम, टाइलिन एंजाइम, यानी यहाँ पे जो एंजाइम वर्क करता है वो सबसे पहला कौन सा एंजाइम होता है, टाइलिन एंजाइम, जो किस में मिक्स हो गया, फूड में। अब फूड क्या होगा, फूड पाइप आगे बढ़ेगा, कौन है फूड पाइप, अभी मैंने बताया आइसोफेगस, यानी आइसोफेगस क्या होता है, फूड पाइप है। आइसोफेगस को क्या बोल दें, फूड पाइप बोलते हैं, आइसोफेगस इज आल्सो कॉल्ड फूड पाइप, इसे क्या बोलेंगे, फूड पाइप। अब यहाँ से आइसोफेगस से फूड क्या हुआ, आगे बढ़ा, ये यह आया यहाँ पे। फिर बता दूँ, नो डाइजेशन, कोई डाइजेशन नहीं होता, कोई एंजाइम नहीं होते, कोई वर्क नहीं होता, तो काम क्या करता, लगा क्यों है, फिर बता रहे बच्चा, यहाँ से काम क्या है इसका, माउथ को पैनक्रिया से क्या करता है, कनेक्ट करता है। यहाँ से इसकी बीच की लेंथ कितनी हो गई, 30 cm, 25 to 30 cm हो गई, 25 से 30 सेंटीमीटर लगभग हो गई, और इसका वर्क क्या है, माउथ को पैनक्रिया से क्या करिए, कनेक्ट। अगर ये ना होती तो ये यहाँ रहता, ये यहाँ फूड वही रुका रहता, ठीक है, तो ये कनेक्ट कर रही है, बाकी कोई डाइजेशन नहीं कर रही। आगे देखेंगे, अब फूड जो है ये आ गया कहाँ पे, पैनक्रियाज में आ गया, यहाँ पे फूड, यहाँ पे छोटे छोटे पीसेस आ गए इसके। अब छोटे पीसेस क्यों हुए, मॉलिक्यूल इसके छोटे क्यों बने, क्योंकि यहाँ क्या था, सॉलिड था, कॉम्प्लेक्स था, कॉम्प्लेक्स फूड कन्वर्ट हो गया किसमें, सिंपल। थोड़ा सा यहाँ से डाइजेशन हो गया, अब देखिए यहाँ पे पैनक्रियाज में रुका। लीवर क्या करता है, लीवर जो होता है ये यहाँ से गाल ब्लैडर लगा होता है, छोटी सी थैली लगी होती है गाल ब्लैडर की, तो ये क्या करते हैं, गैस्ट्रिक जूस निकालते हैं, गैस्ट्रिक जूस क्या होते हैं, इनको दे देते हैं पैनक्रियाज में, और पैनक्रियाज में ये गैस्ट्रिक जूस आता है। अब ध्यान से सुनिए, लीवर और गाल ब्लैडर यहाँ पे बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं फॉर डाइजेशन।
डाइजेशन के लिए, इसको गलाने के लिए, इसको डिजॉल्व करने के लिए सबसे ज़्यादा हेल्पफुल, मतलब बहुत ज़्यादा हेल्पफुल कौन है? लीवर और गाल ब्लैडर। ऊपर तो टाइली ने जो करना था उसे किया, बट यहाँ पे लीवर और गाल ब्लैडर करेगा। देखिए बच्चों, फिर प्रीवियस वीडियो में हमने बात की थी न्यूट्रिशन, और न्यूट्रिशन में न्यूट्रिएंट्स मटेरियल जब हम पढ़े थे तो न्यूट्रिएंट्स मटेरियल कितने होते हैं? 5। कौन कौन से होते हैं? पढ़ चुके हो आप, फैट होते हैं, फैट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, ये सारी चीज़ें होती हैं, यानी 5 होते हैं, 5 न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट, मिनरल्स, प्रोटीन, विटामिन, इन 4 का, प्रोटीन, विटामिन, फैट, सॉरी प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट एंड मिनरल्स, इन चारों का डाइजेशन कौन कर देता है? लीवर, जो इसने दिया गैस्ट्रिक जूस यहाँ पे छोड़ता है। और जो फूड में हमारे फूड में जब न्यूट्रिएंट्सन आए, न्यूट्रिएंट्स मटेरियल आए, तो न्यूट्रिएंट्स मटेरियल को इसको कौन कर दिया? लीवर क्या करता है? डिजॉल्व करने लगता है, गलाने लगता है। अब जो इस न्यूट्रिएंट्स मटेरियल के कौन बचा? फैट। फैट मीन्स ऑयली मटेरियल। ऑयली मटेरियल जो बचे, जो तेल से, मतलब हमने क्या खाया, कोई तेल वाली चीज़ खा ली, समोसे खा लिए, और जो है बहुत सारी इधर उधर की चीज़ें खा ली, बाहर से खा लिया, घर में बने हुए पराठे खा लिए, पूड़ियाँ खा ली, तो हमने क्या किया, जो ऑयली मटेरियल को हमने लिया, ऑयल तो बॉडी में आ गया, ये पैनक्रियास पे आके रोटी के पीसेस के साथ ये क्या है, रुका हुआ है। अब यहाँ से गाल ब्लैडर जो होगा ये देता है अपना एंजाइम वगैरह यहाँ देगा, और ये देने के बाद जो फैट होंगे, फैट भी क्या होने लगता है? डिजॉल्व होने लगेगा, घुलने लगेगा, घुल जाता। यानी प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, मिनरल्स, इन 5 का डाइजेशन ये दोनों मिलकर आराम से प्रॉपरली कर लेते हैं। एक चीज़ सुना होगा बच्चों, जिसमें गाल ब्लैडर नहीं होता, गाल ब्लैडर जैसे पित्त, हिंदी में क्या बोलते हैं, पित्त, गाल ब्लैडर में किसी को स्टोन वगैरह हो जाती है, पथरी हो गई, तो ये क्या किया जाता है, पूरी की पूरी जो थैली होती है, ये बैग्स जो होते हैं, उसको बैग को निकाल के क्या जाता है, बाहर कर दिया जाता है। अब गाल ब्लैडर को निकाल दिया तो इसके एंजाइम भी नहीं बनेंगे, जब यहाँ पे एंजाइम नहीं बन रहे तो फैट का डाइजेशन भी इजिली नहीं हो पाता है, मतलब बहुत वर्क करना पड़ता है, हार्ड होता है फैट का डाइजेशन करना। इसलिए उन लोगों को डाइजेशन प्रॉब्लम में, उस तरह के जो पर्सन होते हैं जिनको ऐसा ऐसी हुई होती है कंडीशन, तो उन लोगों में क्या होता है, बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती है डाइजेशन में। तो यहाँ देखिए बच्चों, इन 5 का तो डाइजेशन हो गया, अब यहाँ से ये फूड पे जैसे एंजाइम डालेंगे, जैसे केमिकल किसी चीज़ पे डाला जाता है, तो आराम से ऐसे ऐसे घुलने लगे, तो ये क्या होंगे, सारे एकदम इजिली से ब्रेक डाउन होने लगेंगे, ब्रेक डाउन हो गए। ब्रेक डाउन होने के बाद जो इसकी फूड, मतलब जो एनर्जी हुई वो इस माल में चली गई, और जो इसके वेस्ट प्रोडक्ट बचे, अनडाइजेस्टेड फूड हुए, ये कहाँ चले जाते हैं? लार्ज इंटेस्टाइन में। अनडाइजेस्टेड फूड कहाँ चले जाते हैं? लार्ज इंटेस्टाइन में, जो अभी हमने तुरंत कहाँ देखा था, इजेशन में देखा था कि अनडाइजेस्टेड फूड बच्चों कहाँ चले जाते हैं? अनडाइजेस्टेड फूड जो होते हैं वो लार्ज इंटेस्टाइन में चले जाते हैं। आपने एक चीज़ देखी, मैं एक एग्जांपल के तौर पे बता रही हूँ, देखा होगा एक चीज़, शुगर कैन, गन्ने का जूस निकलते हुए देखा होगा, गन्ने को मशीन में डाल देते हैं और फिर उसका जूस निकालते हैं, तो वो जो जूस होता है वो क्या होता है, बाहर आ जाता है, ग्लास में आ जाता है, और जो उसका वेस्ट प्रोडक्ट होता है गन्ने का वो बचा रह जाता है। तो सेम यही, हमने जो खाना लिया, जो गया वो क्या हुआ, पिसा, घुला, ग्राइंड हुआ, और ग्राइंड होने के बाद उसका जो जूस निकला पूरा, वो तो ठीक है एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, लेकिन जो ये बेस्ट प्रोडक्ट बचे, जैसे अनार के जूस देखे होंगे, पोमग्रेनेट, और जो है मौसम्बी के जूस, इन सब के जूस कभी भी आप देखे होंगे, तो उसका बेस्ट प्रोडक्ट बचता है बच्चों। आप ना देखे हो तो दुकान पे जाइए, वहाँ देखिए, या मम्मी लोग से बोलिए, घर पे निकाल के देंगे मिक्सर से, तो आप उसे देखिए, तो वहाँ से क्या होता है, जो अनडाइजेस्टेड बचे, जो बेस्ट प्रोडक्ट बचे, वो क्या होते हैं, कहाँ चले जाते हैं? लार्ज इंटेस्टाइन में। और लार्ज इंटेस्टाइन से ये क्या होते हैं, एनस पार्ट लगा होता है, एनस पार्ट से क्या होते हैं, ये बॉडी से एग्जिट हो जाते हैं, रिमूव हो जाते हैं, बाहर हो जाते हैं। अब यहाँ पे देखिए एक पॉइंट क्लियर करना चाहेंगे, स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन, ये स्मॉल तो है लेकिन ये स्मॉल होती नहीं है, लेंथ में अगर बात करें, लेंथ में लंबाई की बात कर लें, तो ये क्या होती है, बहुत ही ज़्यादा लंबी होती है, यानी इसको कहा जाता है 6 to 8 मीटर लॉन्ग होती है, और 8 to 10 मीटर लॉन्ग होती है, जैसे जैसा बच्चे का हाइट हो अबाउट इतना ही माना जाता है, तो इतनी मीटर लॉन्ग होती है इंटेस्टाइन। और ये जो लार्ज होती है, ये क्या होती है, छोटी होती है। तो बच्चों इसे लार्ज क्यों कहा गया? लार्ज इसलिए कहा गया क्योंकि ये एरिया में बड़ी होती है, ब्रेथ में, चौड़ाई में, मोटाई में बड़ी होती है,
लेंथ की बात करें तो पतली सी, बहुत ही पतली सी, ऐसे नली टाइप में, बेसल्स टाइप में, एक वाहिनी के टाइप में, बेसल्स टाइप में कौन होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन होती है। लेंथ इसकी बहुत ज़्यादा लंबी होती है, बट ये कैसी होती है, ऐसी पतली सी होती है। और ये जो इसकी लेंथ तो है, बट इसकी ब्रेथ जो है ये क्या है, कम है, इसलिए इसे क्या बोल दिया गया, स्मॉल इंटेस्टाइन बोला गया। और इसे क्या बोल दिया गया, लार्ज। लार्ज क्यों बोला गया, फिर से बताना चाहूँगी, क्योंकि इसकी एरिया क्या होती है, ज़्यादा बड़ी होती है। अब इतनी बात क्लियर कर ली। यहाँ पे डाइजेशन में एक बात और क्लियर करना चाहेंगे, ये जो पैनक्रियाज होता है बेटा, यहाँ पर इस पॉइंट पर एक बार क्लीन करती हूँ इस स्ट्रक्चर को, ये देखिए यहाँ पर जो पैनक्रियाज है, यहाँ इस पॉइंट पर, यहाँ बनते हैं इंसुलिन, इंसुलिन। इंसुलिन नाम का क्या होता है, क्या एंजाइम होता है, नो, हार्मोन होता है। इंसुलिन नाम का क्या होता है, हार्मोन होता है। ये हार्मोन जो होते हैं यहाँ पे होता है। अब इसको बताने के लिए मैं एक एग्जांपल बताना चाहूँगी, देखिए इरेज करते हैं। आपके पास दो बर्तन है, करके देखना, अगर आप किए नहीं हो या कभी एक्सपीरियंस नहीं है इसका, देखे नहीं है, तो आप घर पे एक बार करके ट्राई करना, ओके। देखिए ये दो पैन ले लिए हमने, इसमें भी 1 kg हमने क्या डाल दिया, शुगर, और 1 kg यहाँ भी डाल दिया। कौन सी शुगर भाई, जो घर पे यूज़ होती है, चीनी। अब 1 kg चीनी वेस्ट मत करना, थोड़ा सा भी ले सकते हो। ये बड़ी अच्छी बात कही आप, बस थोड़ा पैन होना चाहिए छोटा। तो सपोज हम क्या किए, दो पैन ले लिए, एक बड़ा है और एक क्या छोटा, 1 kg इसमें, 1 kg इसमें। अब ये बताइए कि यहाँ पे इसमें जब डाल दिया तो ये क्या होगा, इसमें जाके घुलेगा, और घुलने के बाद जो इसका सोल्यूशन बनेगा, जो इसका विलयन बनेगा, वो कैसा होगा, बहुत ही सॉफ्ट होगा, पतला बनेगा, ऐसे हल्का सा। और ये वाला क्या होगा, समझ गए होंगे कैसा बनेगा, गाढ़ा सा बनेगा, बहुत ही ज़्यादा गाढ़ा बनेगा। जैसे आपने देखा होगा हम चाय बनाते हैं, चाय में भी तो चीनी डालते हैं, बट चाय को छानते हैं तो आसानी से वो क्या होता है, छन जाता है। शरबत बनाते हैं, शरबत में भी तो चीनी मिली होती है, लेकिन वो भी आसानी से क्या होती है बेटा, छन जाती है। क्यों, क्योंकि वहाँ पे पानी की क्वांटिटी, वाटर की क्वांटिटी ज़्यादा होती है कंपेयर टू शुगर, शुगर से क्या होती है, ज़्यादा होती है, तो वो आसानी से घुल गया। बट यहाँ पे क्या हुआ, पानी बहुत थोड़ा सा है, वाटर की क्वांटिटी बहुत कम है, लेकिन शुगर, शुगर ज़्यादा हो गया। तो जब घुला तो ये कैसे बना, गाढ़ा। चाशनी देखे होंगे, जलेबी बनाते हुए, मिठाइयाँ बनाते हुए, हलवा बनाते हुए, ऐसा नहीं देखे हो तो आप लोग ट्राई करना, इसको करके देखना। तो यहाँ पे ये क्या बना, गाढ़ा सा बना। और जब ये गाढ़ा बनता है, थोड़ा सा पानी लेंगे और उसके बाद में खूब सारी चीनी डाल देंगे, तो क्या होगा, गाढ़ा गाढ़ा। अब उसके बाद में उसको जब हम छाने तो वो छनता नहीं आसानी से, इजीली नहीं छनता। तो ये क्या हुआ, इसमें भी चीनी है, इसमें भी चीनी है, ये आसानी से छन गया, ये नहीं छना, क्यों, यू नो, समझ गए होंगे अब तक क्यों। अरे कहना क्या चाहते हो, क्योंकि बेटा यहाँ पानी क्या था, वाटर की क्वांटिटी ज़्यादा थी, और यहाँ वाटर की क्वांटिटी क्या थी, कम, ठीक है। तो वैसे ही सेम प्रोसेस होने जा रही है यहाँ पे। इंसुलिन नाम का हार्मोन होता है, ये हार्मोन कहाँ होता है, पैनक्रियाज और इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन के इस पॉइंट पर होता है, और यहाँ पर इंसुलिन हार्मोन होता है। अब हम क्या करेंगे, खाना तो हमने लिया, हमने क्या बात की थी, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, मिनरल्स, इन सबकी बात कर ली थी। सपोज हमने खीर खा ली, सपोज हमने कोई मिठाई खा ली, मीठा पॉइंट हमने मीठा खा लिया, और मीठा आया, अंदर आया आइसोफेगस से, माउथ से अंदर आया। अब आने के बाद पैनक्रियाज में भी है, यहाँ भी है, और यहाँ से जो फूड का डाइजेशन हुआ वो तो हो गया, जिसका डाइजेशन नहीं हुआ ये क्या होंगे, वेस्ट प्रोडक्ट के थ्रू इधर आगे आएंगे, और उसी खाने में थकान, शुगर, क्योंकि खीर खा ली थी, मिठाइयाँ खा ली थी, चाय पी लिया था, तो उसी में क्या था, चीनी, शुगर भी थी। अब शुगर के पार्टिकल्स यहाँ पे रुके हुए हैं, ये आएंगे और इस इंसुलिन में घुलेंगे। आप लाइक मान लीजिए कोई पैन है और यहाँ पे इंसुलिन ये भरा हुआ है, और चीनी के पार्टिकल आए और इसी में घुले। अब नोटिस कीजिए, जैसा यहाँ बताया बच्चों, सेम, अगर यहाँ पे इंसुलिन है, फुलफिल है, बढ़िया है, ज़्यादा क्वांटिटी में है, तो ये क्या होगा, ये इंसुलिन, ये चीनी आएगी, इसमें घुलेगा, और विलयन कैसा बनेगा, पतला, और आसानी से जब पतला बनेगा तो ये आसानी से क्या होगा, छन जाएगा, यानी ये छन कर कहाँ चला जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में, और ये सारे जो बेस्ट प्रोडक्ट बचेंगे वो कहाँ चले जाएंगे, लार्ज इंटेस्टाइन। कब की बात कर रही हूँ, किस कंडीशन की बात कर रही हूँ मैं, कब, जब ये क्या हो, इसकी क्वांटिटी क्या हो, फुलफिल हो,
मोर हो, बहुत ज़्यादा हो, मतलब सही हो, लिमिट में हो, तब यहाँ पे ऐसा होता है। लेकिन पता लगा यहीं पर ये इंसुलिन किसी की बॉडी में, किसी पर्सन की बॉडी में बच्चों कम बन रही है। अब ये कम बना, शुगर लिया और शुगर आया और बेचारा पानी थोड़ा सा था एक चम्मच, और उसमें हमने उसको घोल दिया तो वो कैसा बना, गाढ़ा गाढ़ा सा बना। और जब गाढ़ा सा बना तो जब उसकी छानने की बारी आई तो आप थोड़ा सा माइंड यूज़ कीजिए, आप क्या करेंगे, जब छानेंगे तो वो कैसा है, गाढ़ा छनेगा, बिल्कुल नहीं, नहीं छना। अब जब नहीं छना तो ये जो होता है शुगर, ये इसकी क्वांटिटी कहाँ चली जाती है, ब्लड में चली जाती है, और जिससे बना लेता है क्या, डायबिटीज। बच्चों शुगर बनाता है, डायबिटीज बना लेता है। यानी कौन सी डिसीज हो जाती है, डायबिटीज, शुगर बना लेती है। कब की कंडीशन में बनती है, फिर एक मिनट, कब की कंडीशन में बन रही है बच्चों, जब इंसुलिन बॉडी में क्या है, कम है, इंसुलिन कम है, चीनी हम लिए, और चीनी अगर थोड़ा भी लिए तब इंसुलिन बन ही नहीं रहा, या नॉर्मल ही बन रहा है, या थोड़ा सा ही बन रहा है। तो शुगर हम थोड़ा सा भी लिए तो ये आया और इसमें घुला, और विलयन कैसा हुआ, सिलीवन कैसा हुआ, गाढ़ा, और गाढ़ा होने के बाद ये गाढ़ा था, छना नहीं, और इसकी क्वांटिटी कहाँ चली गई, ब्लड में, और व्यक्ति को, उस ह्यूमन को, उस स्पेसीज को क्या हो गई, क्या हो गई, डायबिटीज, शुगर। यानी किसकी वजह से, इंसुलिन के कम बनने की वजह से हो गई। अगर यही इंसुलिन ज़्यादा बन रहा था तो बढ़िया आराम से चाहे जितनी मिठाई खाए, चाहे जितना खीर खाइए, चाहे जितना मीठा यूज़ कीजिए, आराम से आएगा इंसुलिन ज़्यादा, बढ़िया घुलेगा, और घुल करके आसानी से क्या होगा, छन जाएगा। यही रीज़न है, आप सोचते होंगे कभी कभी कि कोई व्यक्ति है जो मिठाई कम खाता है, मीठा बेचारा बहुत ही दूर दूर भगता है, परहेज करता है, बहुत ज़्यादा उससे दूर रहता है, फिर भी उसको हो जाता है डायबिटीज़, शुगर बढ़ जाता है, शुगर लेवल उसका बढ़ गया, लो हो गया, ऐसा हो गया, हाई हो गया। क्यों? क्योंकि उसकी बॉडी में, उसकी बॉडी में क्या कम थे, इंसुलिन, इंसुलिन कम है, वो थोड़ा सा भी खाएगा तो वो आके विलयन गाढ़ा गाढ़ा बना लेगा, और उसके बाद ये छन नहीं पाएगा और आगे नहीं जा पाएगा, और जाएगा कहाँ, ब्लड में, और ब्लड में जाएगा तो ब्लड में सुक्रोज की मात्रा, ग्लूकोज की, शुगर की मात्रा क्या होगी, ज़्यादा, और शुगर की मात्रा अगर ज़्यादा हो गई तो पर्सन को क्या हो गया, इंसुलिन। क्या था ये, एलिमेंट्री कैनल था, और पूरा का पूरा डाइजेशन सिस्टम था, जो हमने आपको क्या किया, अच्छे से समझा दिया। हमारी PDF मिल जाएगी आपको, और आप उससे तैयार करते रहिए, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, और मिलते हैं इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो नंबर 6 लेकर यहाँ पर हम आते हैं, और अच्छी अच्छी बातें करेंगे, जिसमें हम बात करेंगे रिस्पिरेशन क्या होता है। यानी एलिमेंट्री कैनल तो हमने देख ही लिया, अब बात करेंगे रिस्पिरेशन क्या होती है, लंग्स क्या होता है, ये सारी चीज़ें बात करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, और लगे रहिए साथ में, मेहनत करते रहिए, और जोश के साथ इसको देखते रहिए, और कमेंट करके बताइए कि हमारा वीडियो आपको कैसा लग रहा है, आप पढ़ाई कर रहे हो, समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, या हमें और मेहनत करने की ज़रूरत है, क्या पॉइंट्स नहीं समझ में आ रहे हैं, बच्चों आप हमारा साथ दीजिए, और अपने सारे डाउट्स को कमेंट सेक्शन के द्वारा दूर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो नंबर 6 लेकर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।